और एनआर के टीम यहाँ पर मौजूद है। 40 ओवरों का यह मैच है। तो ग्लोबल स्टार्स की तरफ से ओपनर बैट्समैन सनम जौहर और गुप्ता दोनों ही हल्के हल्के कदमों से ग्राउंड में आते हुए, सनम जौहर और गुप्ता दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं क्रिक स्टार्स की तरफ से। तो थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने को है और ये रहा विकेट सेकंड इनिंग का। बहुत प्यारा विकेट है, अभी बढ़िया विकेट है, अच्छा विकेट है, यहाँ पे अच्छा क्रिकेट का माहौल भी है। एनआर स्टेडियम में यहाँ मुकाबला खेला जा रहा है एनआर वर्सेस क्रिक स्टार्स के बीच में। थोड़ी देर में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। देवांश गुप्ता हैं स्ट्राइक, सनम जौहर हैं 07 नंबर की जर्सी में। सनम जौहर अपने नॉन स्ट्राइक पर जाते हुए स्ट्राइक लेंगे। देवेंश गुप्ता, कृष्ण कुमार हाथ उठा दें, कृष्ण कुमार हो तो हाथ उठा दें, वेरी गुड, कृष्ण कुमार हैं और बहुत अभी तक अच्छी बैटिंग किया था इन्होंने। अब बॉलिंग करेंगे, मीडियम पेस करेंगे, राइट हैंड मीडियम पेसर हैं कृष्ण कुमार एनआर की तरफ से। बॉलिंग करेंगे, मैच विल बी स्टार्ट। फर्स्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करेंगे कृष्ण कुमार। तो पहला ओवर एनआर की तरफ से कृष्ण कुमार। तो कृष्ण कुमार है बॉलर, पहला बॉल अच्छा बॉल था, वहां पर खेला गया शॉट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहाँ पे अच्छा देवीस गुप्ता होंगे बैट्समैन, क्रिस कुमार है बॉलर, मीडियम पेसर बॉलर क्रिस कुमार, अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्रिस कुमार। दूसरी गेंद लेकर के हमसे दूर जाते हुए और ये गैप में गया है शॉट, वहां पर दोनों ही बैट्समैनों ने दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पर होंगे पहली बार सनम जौहर, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन है। गार्ड लेते हुए सनम जौहर स्ट्राइक पर होंगे, क्रिस कुमार की गेंदों का सामना करेंगे सनम जौहर। बैट्समैन राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी बॉल थी क्रिस कुमार की अगली गेंद, बहुत अच्छा शॉट खेला है वहां पे, रन एक रनों से खाता खोला यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक रन। तो दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं सिंगल से, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, अपना खाता खोल चुके हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छा डिफेंस किया यहाँ पर कृष कुमार की अच्छी गेंद, देवेश मिश्रा, सॉरी माफ कीजिएगा देवेश गुप्ता अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर सनम जौहर, अगली गेंद, बहुत अच्छा शॉट खेला है, निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी चार रनों के लिए, किसी भी खिलाड़ियों को कोई मौका नहीं मिला, बहुत लाजवाब शॉट, उमदा शॉट। पहले ओवर का लास्ट बॉल है देवेश मिश्रा, देवेश खेल रहे हैं अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं इसी बीच अगली बार। और ये निश्चित रूप से गेंद वाइट है, निश्चित रूप से गेंद वाइट, एक रन का और इजाफा, क्रिस कुमार होंगे बॉलर और ये अच्छी गेंद थी, बीट कराया। ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर उमेश आए हैं बॉलिंग करने के लिए एनआर की तरफ से, सामने होंगे सनम जौहर।
बीट हुए सनम जौहर, उमेश ने अच्छी गेंदबाजी की, पहले गेंद बीट कराया आपने दूसरे ओवर की। सामने होंगे सनम जौहर, बाहर दी, लेफ्ट कर दिया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में उमेश। दो गेंद बीट करा चुके हैं सनम जौहर को। उमेश अगली गेंद, और बहुत अच्छा तरीके से डिफेंस किया वहां पे, रन लेने का कोई मौका नहीं। क्रिस कुमार ने फील्ड किया, तो तीन गेंदों पर अभी तक कोई रन नहीं आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश और उतने ही अच्छे बैट्समैन सनम जौहर। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट खेला वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सीधे हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं सनम जौहर, मात्र 6 साल के प्लेयर हैं सनम जौहर। फिर डिफेंस किया वहां पर हल्के हाथों से, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सनम जौहर। और ये फाइन लेग पर के जानिब खेला है शॉट, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, तो एक रनों के साथ में ओवर की समाप्त।